चाहे कोई शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन हो, किसी न किसी उद्देश्य से हम शराब का सेवन अवश्य करते हैं। शराब का उत्पादन होने के प्रमाण लगभग 8000 साल पहले के हैं। वाइन की क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। वाइन की क्वालिटी अक्सर मिट्टी, अंगूर के प्रकार, जलवायु और प्रिजर्वेशन जैसे कई कारकों से इफेक्ट होती है। वाइन बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल मानी जाती है। वाइन बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र फ्रांस, इटली और स्पेन है। तो आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी वाइन के बारे में। इस कड़ी में 10वें नंबर पर 2000 रॉयल डेमारिया आइस वाइन है। रॉयल डेमारिया एक वाइनरी है जो कि अपने आइस वाइन उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई। यह आइस वाइन फर्मेंटेशन से पहले अंगूरों को बेल पर जमने के माध्यम से बनाई जाती है। इस प्रक्रिया से बनी हुई वाइन एक मीठा स्वाद देती है। क्वीन एलिजाबेथ की यह पसंदीदा वाइन है। इस वाइन की कीमत $30,000 प्रति बोतल की है, जो कि इसे महंगी वाइन में शामिल करती है। 9वें नंबर पर 1775 मसाड्रा है। क्रीमिया में मसाड्रा से आने वाली एक बहुत लंबी शराब बनाने की परंपरा के साथ 1775 मसाड्रा उनकी अब तक की सबसे महंगी, सबसे पुरानी बोतल है, जो कि 200 साल से भी अधिक पुरानी है। इस प्रकार यह किसी भी चीज़ की तुलना में पुरानी संग्रहित की गई कोई वस्तु है। इस बोतल को 2001 में $43,000 की कीमत में बेचा गया था। इस बोतल को खरीदने के लिए जो साहस चाहिए वह बहुत कम लोगों में मिलेगा। 8वें नंबर पर 1945 चेरोमोटेन रोज चाइल्ड वाइन है। इस वाइन की एक बोतल की कीमत $47,000 है। यह वाइन दुनिया की सबसे महंगे अंगूरों से बनाई जाती है। 7वें नंबर पर 1787 चेरोडियक में रेड वाइन है। यह रेड वाइन आमतौर पर सबसे पसंदीदा रेड वाइन होती है। सबसे ज़्यादा सेल भी इसी रेड वाइन की होती है, लेकिन कभी कभी एक अपवाद भी होता है। उन्हीं में से 1787 चेरोडियक में भी एक अपवाद है। इस वाइन को सन 2006 में एक अद्भुत वाइन संग्रहकर्ता ने $1,00,000 में खरीदा था। और मजे की बात यह है, इस बोतल को जिसने बेचा था उस शख्स ने खरीदार के पास एक प्राइवेट जेट की निगरानी में समुद्र के रास्ते इस बोतल को भेजा था। 6वें नंबर पर 1811 चेरोडियक में है। यह वाइन दुनिया की सबसे महंगी वाइट वाइन है। इसकी एक बोतल की कीमत $1,17,000 है। 2011 में इसकी एक बोतल को क्रिश्चियन बेननेक द्वारा खरीदा गया था। इस वाइन को फ्रांस की कंपनी सैटन गैरोंडे के द्वारा बनाया गया है, जो कि हाई क्वालिटी की वाइन बनाने के लिए फेमस है। 5वें नंबर पर रोमानी कॉन्टी 1945 है। 1945 में इस वाइन को एक अमेरिकी संग्रहकर्ता ने $1,23,000 में खरीदा था। शुरुआत में इस वाइन की 600 बोतलें बनाई गई थी। 4वें नंबर पर 1787 सेरा लाफाइट है। शराब बनाने की अपनी फाइन टेक्नोलॉजी के लिए शेरो लाफाइट को किंग्स ऑफ वाइन के लिए जाना जाता है। शेरो लाफाइट समय के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में कामयाब हुई है और आज भी वे बेहतरीन रेड वाइन का उत्पादन करते हैं। 1787 में इनकी बनाई हुई सेरा लाफाइट को 1985 में एक अमेरिकी शराब संग्रहकर्ता ने इसे $1,60,000 में खरीदा था। हालांकि यह शराब पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कलेक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे खरीदा था। 3रे नंबर पर 1869 सेरो लाफाइट है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सेरो लाफाइट एक सार्वजनिक कंपनी बन गई थी और बाद में कई डच व्यापारियों को बेच दी गई। 1868 में वैरन जेम्स मेयर रोथ स्टील्ड ने एक वाइनरी खरीदी और इसका नाम शेरो लाफाइट रोथ स्टील्ड कर दिया। उन्हीं की 1869 में बनाई हुई वाइन की एक बोतल $8,000 में बिक रही थी, लेकिन हांगकांग के एक व्यापारी ने इसे $2,33,972 में खरीदकर सबको चौंका दिया। 2रे नंबर पर 1907 हाइट सीक वाइन है। 1907 हाइट सीक वाइन की बोतलें रूस के जार निकोलस सेकंड के शाही न्यायालय तक पहुंचने वाली थी।
लेकिन जहाज को तार पीरो कर लिया गया। लेकिन सौभाग्य से 200 बोतलें बच गई थी और प्रत्येक बोतल 2,75,000 डॉलर में बेची गई और दुनिया की महंगी बेची जाने वाली वाइन में से एक बनी। 1907 हाइड सीक अब तक की बेची जाने वाली सबसे महंगी वाइन में से एक है। पहले नंबर पर 1947 शेरो सेवाल ब्लैंक है। यह वाइन अब तक की सबसे अच्छी वाइन मानी जाती है। इसकी एक बोतल को जेनेवा में क्रिस्टी की शराब की नीलामी में 3,04,374 डॉलर में बेचा गया था। यह अब तक की सबसे महंगी वाइन की बोतल बन गई है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।